नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने आज दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर नए बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन किया, जिसमें रिहायशी कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया है। कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी, मुरली मनोहर जोशी सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह केवल एक भवन का विस्तार नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक बीजेपी कार्यकर्ताओं के सपनों का विस्तार है। मैं पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं। पीएम ने कहा कि मैं संस्थापक सदस्यों को भी नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि हमने एक छोटे से ऑफिस से अपनी यात्रा शुरू की थी, हमारे सपने बड़े थे, दल छोटा था। पीएम मोदी ने अपने भाषण में आगे कहा कि हमने अपने संगठन को मजबूत बनाया, तब जाकर हम आज यहाँ पहुँचे हैं। दो लोकसभा सीटों से शुरू हुआ सफर 2019 में 303 सीटों तक पहुँच गया। कई राज्यों में हमें 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं। बीजेपी के नए दफ्तर के उद्घाटन में पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान हाल ही में चल रही विपक्षी एकता की अटकलों और कांग्रेस पर भी हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि सभी भ्रष्टाचारी एक साथ एक मंच पर आने की तैयारी में हैं। इसी के साथ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों ने कांग्रेस शासन के दौरान बैंकों को जमकर लूटा, आज भाजपा सरकार ने इन लोगों की करीब करीब 20,000 करोड़ की संपत्ति जब्त करवा दी है और बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार से घिरे सैकड़ों अधिकारियों को जबरन घर भेजा गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आजादी के बाद पहली बार भ्रष्टाचार पर ऐसी चोट हो रही है। मंगलवार को हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए हेट स्पीच को खत्म करना जरूरी है और ऐसे मामलों में FIR दर्ज होने के बाद त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में की गई कार्रवाई पर केंद्र से भी सवाल पूछे हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि हेट स्पीच को लेकर 18 FIR दर्ज की गई हैं और याचिकाकर्ता सिलेक्टिव केस नहीं ला सकते, वो सभी धर्मों के मामले लाएं, अन्यथा याचिकाकर्ता की सद्भावना पर भरोसा नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता केवल एक विशेष समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच से संबंधित अखबारों की खबरों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है और हम स्थिति को लेकर बहुत चिंतित हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पीएम कम पढ़े लिखे हैं और चीजों को ठीक से नहीं समझते हैं, यह चिंताजनक है। इसके साथ ही केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को अडानी के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि अडानी उन्हें बताता है कि इस देश में कंपनी खरीदते हैं, इसके पीछे CBI ED लगाते हैं, बदले में 10-20% कमीशन मिलता है। मोदी अडानी के रिश्तों को लेकर सवाल उठाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से अडानी जी की यानी मोदी जी की जायदाद 50,000 करोड़ रुपए की थी, साल साल बाद इनकी जायदाद हो गई 11.5 लाख करोड़ रुपए। मोदी जी इतनी संपत्ति लेकर कहां जाओगे, आपने 7 साल में इतना लूट लिया। 1947 से 2014 तक सारी सरकारों को मिलाकर देश पर कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था। वहीं 2014 से 2023 यानी 8 साल में देश पर कर्ज 85 लाख करोड़ रुपए है, ये पैसा कहां है? ये पैसा गया जनता की जेब से, अडानी की जेब मोदी जी की जेब में। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद लोकसभा की समिति ने उनको 1 महीने के अंदर उनका बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। वहीं राहुल को बंगला खाली करने का नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर राहुल चाहें तो वह मेरे घर आ जाएं, मैं उनके लिए अपना बंगला खाली कर दूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वे राहुल गांधी को कमजोर करने की हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वह बंगला खाली करते हैं तो वह अपनी माँ के साथ रहेंगे या वह मेरे पास रहने के लिए आ सकते हैं और मैं उनके लिए अपना एक बंगला खाली कर दूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा, मैं उनको डराने धमकाने और अपमानित करने के सरकार के रवैये की निंदा करता हूं। यह तरीका अच्छा नहीं है। खड़गे ने कहा कि कभी कभी हम 3-4 महीने बिना बंगले के रहते हैं, मुझे मेरा बंगला 6 महीने बाद मिला, यह लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं और मैं उनके ऐसे रवैये की निंदा करता हूं। आपको बता दें कि राहुल गांधी को पिछले हफ्ते लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद लोकसभा की आवास संबंधी समिति ने इस संबंध में फैसला किया और इसके बाद निचले सदन के सचिवालय ने कांग्रेस नेता को 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा। राहुल गांधी के सांसदी जाने के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है, वहीं बीजेपी भी शांत नहीं है और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर लगातार निशाना साध रही है। इसी कड़ी में आज 28 मार्च को सुबह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी का अपमान करते करते
ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं, जबकि पीएम ने हमेशा कहा है कि आप चाहे मेरा जितना अपमान करना है करिए, लेकिन देश का अपमान मत करिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि अपनी पॉलिटिकल बौखलाहट में राहुल गांधी का मोदी जी के प्रति विष देश के अपमान में परिवर्तित हो चुका है। पीएम मोदी का अपमान करते करते पूरे ओबीसी समाज का अपमान करना भी उन्होंने उचित समझा। नरेंद्र मोदी की इमेज पर प्रहार करने के लिए उन्होंने विदेश में झूठ बोला, देश में झूठ बोला, संसद में झूठ बोला। ये वो व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नाक रगड़कर माफी मांगते हैं और आज ढोंग करते हैं डरपोक ना होने का। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी की ताकत उनकी छवि है और राहुल गांधी ने 4 मई 2019 में एक मैगजीन इंटरव्यू में प्रण लिया कि मैं पीएम मोदी की छवि पर प्रहार करता रहूंगा जब तक उस छवि को नष्ट ना कर दूं। गांधी परिवार ने सत्ता में रहते हुए पीएम मोदी की छवि खराब की है। बीते 6 सालों से भारत और चीन के बीच चल रहे डोकलाम विवाद को लेकर भूटान के प्रधानमंत्री के बयान ने भारत सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बेल्जियम के दैनिक अखबार ला लिब्रे के साथ एक इंटरव्यू में भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने कहा कि समस्या को हल करना अकेले भूटान पर निर्भर नहीं है, हम 3 देश हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं, तीनों समान देश हैं। लोटे शेरिंग ने इंटरव्यू में आगे कहा कि जैसे ही बाकी दोनों पक्ष तैयार हो जाते हैं वे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब अब ये निकाला जा रहा है कि भूटान भारत और चीन के साथ ट्राई जंक्शन की स्थिति पर बातचीत करेगा। हालांकि भूटान के प्रधानमंत्री का ये बयान उनके 2019 वाले बयान से अलग है जहां उन्होंने कहा था कि किसी भी पक्ष को 3 देशों के बीच मौजूदा ट्राई जंक्शन पॉइंट के पास एक तरफा कुछ भी नहीं करना चाहिए। दशकों से वह ट्राई जंक्शन पॉइंट इंटरनेशनल मैप में दिखाया जाता रहा है जो बटांगला नाम की जगह पर स्थित है और चीन की चुंबी घाटी बटांगला के उत्तर में है जबकि भूटान दक्षिण पूर्व में और भारत का सिक्किम राज्य पश्चिम में स्थित है। बता दें कि चीन चाहता है कि ट्राई जंक्शन को बटांगला से लगभग 7 किलोमीटर दक्षिण में माउंट चिपमोजी नाम की चोटी पर शिफ्ट किया जाए ताकि पूरा डोकलाम पठार कानूनी रूप से चीन का हिस्सा बन जाए, मगर भारत इसका पुरजोर विरोध करता रहा है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है और सड़क से लेकर संसद तक लोकसभा स्पीकर के इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि ओम बिड़ला के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव सोमवार यानी 3 अप्रैल को ला सकती है। बता दें अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए जो विपक्षी दलों के पास है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदन का चलना भी जरूरी है जो मौजूदा हालातों में नजर नहीं आ रहा है। विपक्षी दल राहुल को बोलने ना दिए जाने, उनकी आवाज दबाने और सूरत कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता को अयोग्य ठहराने को लेकर ओम बिड़ला पर हमलावर हैं। 2005 में बहुजन समाज पार्टी के तत्कालीन विधायक राजूपाल हत्याकांड मामले के गवाह उमेश पाल अपहरण मामले में आज माफिया अतीक अहमद, दिनेश पासी और उसके वकील खान सोनत हनीफ को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही तीनों पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अतीक के भाई अशरफ उर्फ खालिद अजीम सहित 7 अभियुक्तों को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। अतीक और अशरफ की आज कोर्ट में पेशी को मद्देनजर रखते हुए दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज लाया गया था। अतीक अहमद पर राजूपाल हत्याकांड मामले के गवाह उमेश पाल की भी पिछले महीने हुई हत्या का आरोप है। बता दें उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में तैनात दो पुलिस कर्मियों की 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सावरकर पर दी गई राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जताई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी में अनबन की खबरें सामने आ रही थी, मगर अब इस गठबंधन को बनाए रखने और दोनों पार्टियों के बीच सावरकर को लेकर मतभेद दूर करने का मोर्चा एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने संभाल लिया है। सोमवार को विपक्षी दलों की बैठक में शरद पवार ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में ये मुद्दा उठाया था और कहा था कि राज्य में सम्मान किए जाने वाले सावरकर को निशाना बनाना विपक्षी गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। एनसीपी प्रमुख ने ये भी बताया कि सावरकर कभी भी आरएसएस का हिस्सा नहीं थे और हमारी लड़ाई सावरकर के खिलाफ नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि सावरकर पर हमले ना करने की बात पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के बीच सहमति बन गई है। बता दें सावरकर पर की गई टिप्पणी के चलते उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने खुद को इस बैठक से दूर रखा था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और करीबी संजय राउत के खिलाफ शिंदे सरकार के सांसद
राहुल रमेश शेवाले ने मानहानि के मामले में याचिका दायर की है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें तलब किया है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि ठाकरे गुट के कई नेताओं ने एकनाथ शिंदे और उनके साथियों पर 2000 करोड़ में शिवसेना के धनुष और बाण वाले प्रतीक को खरीदने का दावा किया था। इसके बाद शिंदे गुट के नेता राहुल रमेश ने अपनी याचिका में मांग की थी कि उद्धव ठाकरे और उनके नेताओं पर ऐसी टिप्पणियां करने से रोक लगाई जाए। हालांकि कोर्ट ने इसे राजनीतिक मामला बताते हुए कोई भी आदेश पारित नहीं किया है। राहुल रमेश के वकील ने संजय राउत और अन्य नेताओं पर यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के खिलाफ भी कई दावे किए गए हैं, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ईसीआई ऐसे दावों का जवाब देने में सक्षम है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय अदालतों में चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए है। इस मामले पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने को लेकर किए गए एक प्रश्न के जवाब में कहा कि अमेरिका भारत के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने भारतीय भागीदारों के साथ हमारे संबंधों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर भारत सरकार के साथ है। उन्होंने कहा कि कानून और शासन और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। इस मामले को हम भारतीय अदालतों में देख रहे हैं। गौरतलब है कि मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी संसद की सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।